सो कैसे आप सब। मैं बहुत टाइम के बाद अपने फिर से एक ट्रैवल ब्लॉग के साथ वापस आई हूँ। एंड ये वाला ब्लॉग बहुत स्पेशल होने वाला है, क्योंकि ये मेरी लाइफ का फर्स्ट ट्रिप है विद माय बेस्ट फ्रेंड्स। येस, आई एम गोइंग बनारस विद सिमरन एंड रिया, एंड मैं रेडी हो चुकी हूँ। हमारी सुबह 6 बजे की ट्रेन है और अभी 4:30 हो रहे हैं। सिमरन कभी भी मुझे पिक करने आ सकती है। सो एक्साइटेड। एंड सम इंडियन रिचुअल्स। थैंक यू। एक्साइटेड? हेलो एक्साइटेड, एक्साइटमेंट दिख रही है। जो जल्दी आया लेट। हेलो, सिमरन कुछ कह रही थी। यार आई एम सो एक्साइटेड। बस शो मी योर नेल एक्सटेंशन। शो। नाइस। रिया योर्स? ओए। ओके गाइस, हम लोग रेलवे स्टेशन पहुंच चुके हैं और अपनी ट्रेन का वेट कर रहे हैं। हेलो। अपने अपने लगेज दिखाना सारा। सिमरन के भी 4 लगेज है, एक उसके कंधे पर है, सॉरी 3 है। रिया के भी 3 है, एक मेरे ही है 2, एक मेरे कंधे पर है और एक ये मेरा येरा ब्लू वाला। खाने पीने वाला है ना, खाती नहीं है। ओ अच्छा, मैं नहीं खाती। बोल कौन रहा है? अब ज्यादा पता नहीं लगे, मुझे भूख लग रही है। क्या हुआ सिमरन, भूख लग रही है? हम ट्रेन में बैठ चुके हैं, एक्चुअली खड़े हुए हैं। हमारी ना पता कैसी टिकट बुक हुई है कि 2 सीट हमारी इधर है और 1 सीट उधर है। और रिया को ना बहुत अच्छी कंपनी मिली है। रिया, हाय रिया। मजा आ रहा है। उसको मैं न्यूज पेपर पकड़ा दिया तो मैं इसे टाइम पास कर। फुल मजा है, फुल है। जिंदगी हो तो ऐसे बनाता हूँ। हमारा ब्रेकफास्ट आ गया। वी हैव कटलेट्स, कुलचा, छोले, दही, सैंडविच एंड स्वीट्स में हमारे पास चोको पाई। यम्मी। लंच टाइम नाउ। हमने पता है अभी बीच में बहुत सारी रील्स शूट करी, एक्चुअली बहुत सारी नहीं, सिर्फ 2 ही रील्स शूट करी है हमने। और अब हम लोग लंच कर रहे हैं। सो लंच में वी हैव दाल, दही, राइस एंड आई गेस दिस इज पनीर की सब्जी। और ये थैंक्स रिया, थैंक यू सो मच। एंड ये आलू की सब्जी है, अचार है, रोटी है। सो आप क्या कह रहे थे, आपका देखते ही क्या हो गया? पेट भर गया। इट्स आइसक्रीम टाइम, चीयर्स। मैं भी तो आ जाऊं कैमरे में। वाटर डांस रिया। एक्साइटमेंट है इसकी आइसक्रीम को देख। खुश हो गई। इट्स सो यम्मी, इट्स सो यम्मी। अच्छा हम लोग कितने देर में पहुंचने वाले हैं वहाँ पे वाराणसी? 2 बजे तक। अभी और अभी क्या टाइम हो रहा है? अभी बज रहे हैं 1 घंटे में हम लोग अपने डेस्टिनेशन पे होंगे। गाइस चुकी हूँ वाराणसी। सिमरन रिया को बहुत ज़्यादा जल्दी थी ऑटो बुक करने की, वो मेरे से आगे निकल चुकी है एंड मैं ब्लॉग शूट करते करते पीछे रह गई हूँ। कोई बात नहीं, अब हम जा रहे हैं अपने होटल। हमारा होटल का नेम है द 4 सीजन, जो कि है कोडाई चौकी के पास। सो चलते हैं। लगेज भी बहुत ज़्यादा भारी है, बट चल लेते हैं। तुम दोनों को बहुत जल्दी थी ना, मेरे से आगे निकल गए। इतना गंदा रिएक्शन। मेरा लगेज कौन रखवाएगा? ये भी रखो। गाइस वाराणसी देखो पीछे, तो सुंदर बन रहा है। तो गाइस कैसा लग रहा है ऑटो की सवारी करके? बहुत बढ़िया लग रहा है। हम बनारस की गली, बनारस की गली में घूम रहे हैं। मंदिर घूमने आए हैं ना? हाँ जी भैया।
अब हम रिक्शे में हैं। जो हमारा होटल है ना गाइस, वहाँ पे ना आगे तक ऑटो नहीं जा सकता है क्योंकि बहुत फिर ट्रैफिक लग जाता है, तो इसलिए हम ऑटो से उतर के हमने रिक्शा किया है। और रिया फिर से हमसे अलग हो गई है, वो आगे वाले रिक्शे में है क्योंकि हमारे पास लगेज था बहुत, तो हम एक रिक्शे में ऑब्वियसली आ नहीं सकते थे। तो अब रिया आगे हमारे आधे लगेज के साथ है, यहाँ पे अपने आधे लगेज के साथ है। हाँ, थक गए यार। आपको बनारस की गलियाँ घुमाते हैं हम। भाई बहुत धूप है गाइस, यहाँ पे बहुत धूप। सो हम अपने हैं होटल रूम में। हाय, अब तो शेड्स उतार दो मैडम, थक गया है, पूरा मुंह लाल हो रखा है लड़की। क्या वॉशरूम ओके? चलो अच्छा है, सब चेक हो गया, आर यू सेटिस्फाइड नाउ? ये ट्रेन से बोलती हुई आ रही है कि मुझे ये चिप्स खाने हैं, कॉर्न एंड चीज, कॉर्न एंड चीज। सिमरन क्या हो गया, तू सो रही है? इसे देखो, बोला है तुम लोगों को मैं नीरन कॉर्न खाने के लिए, मना कर देगा, मना कर देगा। भाई पेट है, भाई पेट तेरी तरह नहीं। हम इसके अलग ही नशे चल रहे हैं, देखिए देखिए इस लड़की को, ये और यहाँ नींद के नशे। ओके गाइस, सो वी आर रेडी। हाय रिया, बहुत क्यूट लग रही है, बहुत क्यूट लग रही है। थैंक यू, लेट्स गो। सो हम सबसे पहले अभी कहाँ जा रहे हैं? अब हम बोटिंग करने जा रहे हैं, उसके बाद हाय सिमरन। बोटिंग के बाद हम कहाँ जा रहे हैं? बोटिंग के बाद हम लोग जा रहे हैं गंगा आरती। यस, एक बार तीनों आओ कैमरे में, फटाफट दोनों आओ, आई एम सॉरी। हम आज जा रहे हैं गंगा आरती देखने। सो गाइस, अभी हम लोग मार्केट में हैं, यहाँ से आगे जा रहे हैं बोटिंग करने के लिए। बट ये वाली जो मार्केट है ना, ये मेरे को ना आदित्य चांदनी चौक वाली वाइब दे रही है ना गाइस? हाँ। फाइनली हम पहुँच गए घाट पे। डैम दिस व्यू इज अमेजिंग। रिया व्यू कितना प्यारा है ना यार। गाइस यहाँ पे इतनी बार्गेनिंग होती है ना बोटिंग के नाम पे, मतलब एक ने बताया 3500, एक ने बताया 4000, एक ने बताया 2500, पता नहीं कितनी बार्गेनिंग करके अब हमने बोट बुक करी अपनी 1500 में, जिसमें मैं रिया और सिमरन हम तीनों सेपरेट जा रहे हैं। एंड अब देखते हैं यहाँ का एक्सपीरियंस। ये बोल रहे हैं कि अस्सी घाट से लेके मणिकर्णिका घाट तक पूरा ये घुमा के लाने वाले हैं, पूरा गाइड के साथ। तो ठीक है इतना, और प्लस ये जो आप देख रहे हो ये अभी जस्ट घाट पे एंट्री करने से पहले ही मैंने ये लगवाया, मेरा बहुत मन था, मैंने कहा यार ये ज़रूर लगवाना है मेरे को, बहुत टाइम से मन था। एंड यहाँ पे आते ही सबसे पहला काम मैंने ये किया, सबसे पहले मैंने ये बनवाया। और चलिए अब आप मेरे साथ बोटिंग एंजॉय करिए। देख ली सिमरन, कैसा लगा? व्हाट्स योर, हाउ इज योर एक्सपीरियंस? आई एम फीलिंग ब्लेस्ड सीरियसली। पर पता है बहुत थक गए हम, करीबन 5:30 से हम लाइन में थे और पूजा स्टार्ट हुई अराउंड 7:30, आरती स्टार्ट हुई, मतलब हम लोग 2 घंटे हम लोग खड़े रहे, मेरे पैर की, मतलब रिया सिमरन सबके पैरों की हालत खराब हो चुकी है। अब हमें लग रही है बहुत तेज भूख। ये हमें बनारस की गलियों में अपना कैफे ढूंढते हुए, एंड यहाँ की गलियों को देखकर अब मुझे वृंदावन की याद आ रही है। हे भगवान। तो गाइज
इतना घूमने के बाद हमें कोई वो कैफे नहीं मिला, क्या नाम था उसका, दिलजीत कैफे करके। उसके बाद वहाँ पे और भी बहुत सारे कैफेज थे जिनके सिर्फ बोर्ड्स लगे हुए थे और हम उनको ढूंढ ही नहीं पाए। मतलब बड़ी अजीब सी गलियों गलियों में था, फिर से छत पे चढ़ के जाओ, फिर विदाउट एसी, समझ नहीं आया इतना। फिर ट्रैवल किया, फिर वापस हम लोग बाहर की तरफ आए, फिर एक दो रेस्टोरेंट्स और देखे, वो भी वहाँ पे भी एसी नहीं, कुछ नहीं, ना क्राउड एरिया। फिर वही ना, ओनली गर्ल्स हैं तो वो एक लगता है कि हाँ ठीक है, सेफ सेफ जगह जाओ, सेफ जगह विजिट करो जहाँ पे क्राउड रेस्टोरेंट ऑप्ट करो। तो बस वही है। सो या अब हम यहाँ पर हैं, दिस रेस्टोरेंट कॉल्ड आस्था, आस्था रेस्टोरेंट, वाइब इज़ नाइस। खाना आ गया गाइस हमारा, वी ऑर्डर्ड बटर नान, पनीर लबाब दाल, चाउमीन, यानी तो शुरू भी हो चुकी है। सो अब मैं आ गई हूँ अपने रूम में वापस। रिया यहाँ पे अब सारा संगवा रही है, पैकिंग हो रही है, मैंने अपनी पैकिंग कर लिया सामान की, सिमर अपनी पैकिंग करके सो चुकी है। अब बस मैं भी सोऊंगी और रिया भी सोएगी। हमें कल सुबह निकलना है विश्वनाथ के लिए। कितने बजे निकल रहे हम कल सुबह, कितने बजे निकल रहे हम सुबह? 4 बजे। कल हमें 4 बजे जाना है विश्वनाथ जी, वहाँ पे हम पहले दर्शन करेंगे, उसके बाद का क्या प्लान है, उसके बाद का प्लान मैं आपको कल बताऊँगी। सो अभी गुड नाइट एवरीवन, बाय बाय, गुड मॉर्निंग फैम। सो अभी सुबह के बज रहे हैं 4:15 अराउंड एंड हम लोग निकल रहे हैं काशी विश्वनाथ जी के दर्शन के लिए। मैंने पहना है ये येलो कलर का कोट सेट, मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। सो दिस इज माई आउटफिट। रिया भी रेडी है, हाय रिया। हाय सिमरन, ये हमने क्या मैस क्रिएट किया है भाई। अच्छा शायद वहाँ पे अंदर फोन अलाउड नहीं है, आई डोंट नो, नहीं है ना अलाउड, तो कोई बात नहीं, बाहर तक आप मेरे साथ रहेंगे मेरे ब्लॉग में, अंदर का फिर मैं आके बता दूंगी कि मैंने क्या क्या देखा, मेरे दर्शन कैसे रहे। तो बाय, हम शायद पहुँच गए। सो गाइज हमारे दर्शन कैसे रहे? बहुत। अब हम जा रहे हैं कुछ खाने क्योंकि बहुत तेज की भूख लग रही है और यहाँ पे अभी सुबह के 6:30 हो रहे हैं ना, तो इस वजह से ना ज़्यादा चीज़ें खुली नहीं है, लेकिन हमें फाइनली एक ये शॉप दिखी है सुबह बनारस, ये खुली हुई है, तो सोच रहे हैं अभी थोड़ा सा बहुत यहीं से ब्रेकफास्ट कर लेते हैं। फाइनली मेरा ब्रेकफास्ट तो आ गया गाइस, मेरी सुबह की चाय मुझे बहुत ज़रूरत थी। इन दोनों महारानियों को लस्सी पीनी है, लेकिन संस्कारी टाइप, ओ जैसे मैं तो चाय पीने में तो संस्कारी होता ही नहीं है। कभी राम बन के, कभी श्याम बन के चले आना प्रभु जी चले। तो गाइस भजन करते करते हम आ गए हैं श्री काल भैरव जी के मंदिर एंड ये रहा हमारा एंट्रेंस। ये दोनों हमसे कितने, हाँ हाँ चिल्लाओ चिल्लाओ, काहे बोलो बोलो बोलो, व्लॉग ना बनाओ, हाथ यूं ही रह जाए तो खुद गायब हो जाएगी। अरे मैंने रोड क्रॉस करने के बाद बनाना शुरू किया व्लॉग। गाइस काल भैरव मंदिर के लिए भी देखिए कितनी लंबी लाइन है। सिमरन आज तो हम लाइन में लगते लगते थक जाएंगे। ये लाइन पता नहीं कहाँ तक जा रही है। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड। हेलो गाइस, तो काल भैरव जी के भी दर्शन बहुत अच्छे से हुए। आई नो बड़ी लंबी लाइन थी, बट जिनके पास हमने अपनी स्लीपर्स रखवाई उन्होंने हमें बताया, हाँ रिया मैं धीरे धीरे बोल रही हूँ, कोई बात नहीं ब्लॉग में सबको पता चल जाएगा, उन्होंने हमें बताया कि ना ऐसे पीछे से एंट्री करोगे, उन्होंने हमारी पीछे से एंट्री करा दी और डायरेक्ट हमारे फिर से दर्शन हो गए। हाँ वी गॉट मालाज वहाँ से, देखो मुझे गेंदे के फूल की मिली, मैंने येलो वाला, मुझे येलो वाला मिली, फिर मैंने पिंक वाला, पिंक मिली, रिया ने कलरफुल वाला, तो कलरफुल वाली माला मिली। ओके गाइस, सो हमने माँ मृत्युंजय शिव जी के भी दर्शन कर लिए, लेकिन हमारे तक वहाँ पे मंदिर तक ट्रेजेडी हो गई, कॉमेडी हो गई, कॉमेडी हो गई। सुमन क्या हुआ बताओ ना, आप खुद बताओ। मेरी चप्पल चली गई, घुंघरू वाली थी, अच्छी चप्पल लेके आई थी। सिमरन ने डेली
दिल्ली से ऐसे घुंघरू वाली चप्पल अपने लिए परचेज करी थी, बट वो मंदिर से किसी ने चुरा ली, कोई ले गया पहन कर, हम नंगे पैर। मेरे पास एक स्लीपर एक्स्ट्रा है, वैसे तो ले सकती है। गाइस अब हम हैं यहाँ पे मणि मंदिर, इससे पहले अभी हम लोगों ने इस्कॉन विजिट किया, बहुत सुंदर श्रृंगार था राधे कृष्ण का, बहुत प्यारा था, बहुत प्यारा, मज़ा आ गया। लेकिन हमें फ़ोटो खींचना अलाउड नहीं था तो मैं उनका कुछ रिकॉर्ड नहीं कर पाई। वहाँ से हमने एंट्रेंस किया है। धूप है पर अभी तो सुबह के 9 बज रहे हैं तो इतनी है कि हाँ इसको हम बियर कर सकते हैं। इस मणि मंदिर में 108 शिवलिंग है, 108 है सिमरन, 108, इसलिए हाँ। गाइस अब हम आए दुर्गा माता जी के मंदिर, ये मंदिर पूरा लाल कलर में बना हुआ है और बहुत ही प्यारा लग रहा है। मंदिर जाएंगे, वो मेन है एंट्रेंस। गाइस अब हम आए हैं श्री सत्यनारायण तुलसी मानस मंदिर। जय श्री राम। चलिए अंदर भी चलते हैं, आप लोगों को अंदर लेके चलते हैं। हाय तो कितना प्यारा है सब बना हुआ है। तो गाइस अब हम आए हैं त्रिदेव मंदिर। ये सारे मंदिर ना आपस में बहुत पास पास है, जैसे दुर्गा जी का मंदिर था अभी, तुलसीदास जी का था, अब ये है, ये सब लाइक अराउंड 500 मीटर्स की डिस्टेंस पे ही है एक दूसरे से। चलिए एंट्री करते हैं। सो गाइस दिस इज द व्यू, बहुत प्यारा बना हुआ। तो अब हम आए संकट मोचन मंदिर और यहाँ पे भी हमें अलाउड नहीं है अंदर फोन बैग वॉच एनीथिंग, तो अब यहाँ पे हम लॉकर में रखवा रहे हैं, कोई नहीं भरा के आपको अपडेट देते हैं। ओके तो हमारे संकट मोचन जी के भी दर्शन बहुत अच्छे रहे, हमने हनुमान चालीसा गाई और हनुमान चालीसा गाते 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 कब हमें उनके दर्शन हो गए हमें पता ही नहीं चला, बड़ा मज़ा आया। अब हम जा रहे हैं बिरला मंदिर और अभी हम हैं अपने रिक्शे पे, ये सिमरन हमारी सेल्फी लेते हुए आ रही है, पिंकी पिंकी हो रही है लड़की। हाँ भाई पहले तू निकल, तेरे को बहुत जल्दी निकलनी। अब हम आए हैं यहाँ पे BHU में, जो भी न्यू मंदिर बना है श्री विश्वनाथ जी का यहाँ पर। और यहाँ पे ना मैंने इस ओम कोल्ड कॉर्नर के बारे में बहुत सुना है कि यहाँ पे इसकी कोल्ड कॉफ़ी अच्छी है, वी डोंट नो हम लोग यहाँ पे ट्राई करने वाले हैं या नहीं, बट अगर आप लोग आए तो करेगी ट्राई, ओके, बट अगर आप लोग आए तो ज़रूर ट्राई करना। बाय द वे आई एम नॉट अ कॉफ़ी पर्सन, आई एम मोर अ चाय पर्सन, दैट्स वाई, बट ठीक है ये लोग ट्राई करेंगे तो इनका आपको रिव्यू मिल ही जाएगा। चलिए अंदर एंट्री करते हैं। सिमरन की ना चप्पल चोरी हो गई थी, उसके पास से मैं और रिया भी बिना चप्पल के घूम रहे हैं। मतलब हम लोगों ने डिसाइड किया था कि अगर अब सिमरन बिना चप्पल के रहेगी तो अब हम भी बिना चप्पल के ही रहेंगे। और सिमरन तेरी वजह से ना हर धूप में हमारे बाल कह रही हूँ पैरों की ना वॉट लग गई है, वॉट लग गई। आप ये देखो, अब इसमें हमें इतना पूरा अंदर तक चल के जाना और इतना हम धूप में चल कर आए नंगे पैर। हाँ रिया क्या कह रहे थे आप? भाग कर जाना है, हाँ। मेरे पैर रेडी नहीं है इस चीज के लिए। चलो 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 भागो, तुम लोग भागो। 3, 2, 1। ओह माय गॉड, मैं कैसे जाऊं? ओके गाइस मेरी टर्न है, चलो। व्हाट अ स्टेबिलिटी, हाँ आ गई।
दिस इज द व्यू, अमेजिंग मैन। अभी और बहुत चलना है हमें। थैंक्स फॉर द कार्पेट। काशी विश्वनाथ जी के वो वाले मंदिर के दर्शन तुम करवा नहीं पाए थे, सोचो यहीं के करवा देते। इन दोनों की कोल्ड कॉफी आ गई है। अब फटाफट से बताओ ये कैसी है पी के। ओह अच्छा, हाउ इज इट स्ट्रॉन्ग, वाओ सच में, ओ माय गॉड, इसका एक्सप्रेशन तो अच्छा है। सिमरन अभी फटाफट से एक्सप्रेशन। बस टोटा टोटा। ओके, हेयर इज माय कॉफी। दिव्या तूने तो बोला था कि तू कॉफी नहीं पिएगी। हाँ बट फिर कॉफी अच्छी लगी तो। चाय लवर कॉफी लवर कैसे हो गया? अरे यार गर्मी हो रही है यहाँ पे, चाय भी नहीं पी तो फिर। हेलो गाइस, अब हम वापस से अपने होटल रूम में हैं। कैसा लगा आज का दिन? बहुत अच्छा था, बहुत ज्यादा। बिल्कुल थकान नहीं हुई, बिल्कुल बिल्कुल भी थकान नहीं हुई है। गुड नाइट होने वाली है। नहीं 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 गाइस, बहुत मजा आया। मतलब हर मंदिर का एक अपना अलग ही एनवायरनमेंट था, अपना एक अलग ही वाइब था, और हर मंदिर में दर्शन करके ना पॉजिटिविटी बढ़ती जा रही। अर्चन मंदिर से कर रही है ना, बढ़ती जा रही, ऐसा ही हो रहा था। सो अभी हमारा क्या प्लान है? अब हम लोग जाएंगे गंगा स्नान के लिए। हाँ, अब हमारा मतलब शाम होने से पहले, सूरज ढलने से पहले हमारा प्लान है कि अब हम गंगा स्नान करने जाएंगे। अभी कुछ 12:30 अराउंड हो रहे हैं, अब थोड़ा हम यहाँ पे एक दो घंटे होटल रूम में आराम करते हैं क्योंकि हम रात के उठे हुए हैं 3 बजे के। सो अब हम कुछ खाएंगे पियेंगे और खाने पीने के बाद शाम को फिर हम गंगा स्नान करने जाएंगे। फिर मैं आपको आगे का ब्लॉग तब कंटिन्यू करती हूँ। गुड नाइट। तो गाइज अब हम लोग पहुँच चुके हैं 80 घाट। यहाँ पे हम लोग गंगा स्नान करने आए हैं। हम लोग वैसे यहाँ पे ऑटो से आए हैं और यहाँ पे 5 बजे के बाद ऑटो की एंट्री नहीं होती है। तो अगर आपको कभी भी 80 घाट विजिट करना है और अगर आप चाहते हो कि आपको रिक्शा वगैरह से नहीं आना है, आराम से सेफ्टी से आना है, ऑटो से आना है, कार से आना है, तो प्लीज़ 5 बजे से पहले ही आए। अब मैं आपको यहाँ से व्यू दिखाती हूँ। ये वैसे मुझे दशमेध घाट से साफ लग रहा है ना। बेटर है एक्चुअली। हाँ, इसलिए हमने सोचा कि दूसरा घाट भी हो जाएगा देखने के लिए और हम स्नान भी कर लेंगे। चलिए अब गंगा स्नान शुरू किया जाए। गंगा स्नान हो गया, मजा आया। जय हो गंगा मैया की, जय हर हर गंगे, हर हर गंगे। तो हम लोग 80 घाट पे हैं और सिमरन की ब्लॉगिंग शुरू हो गई है। हम मैगी एंजॉय कर रहे हैं। हेलो फ्रेंड्स, मैगी खा लो। और हेलो फ्रेंड्स, चाय पी लो चाय। हमारे संग आज एक ट्रेजेडी और हुई जिसके बारे में रिया आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर सकती है। सो रिया, जनता वाना नो, हम यहाँ मॉल में आए वाराणसी में, सुंदर मॉल है। देखिए ये मॉल कितना सुंदर है, जो कि आधा खाली और पड़ा है। 9:30 बजे पहुँचे हैं एंड मॉल बंद होने के उसमें है, तो हम खा रहे हैं हीरा। जबकि आज हमें वाराणसी का स्ट्रीट फूड ट्राई करना था और आज हम ये अभी हम हीरा स्वीट से हम राज कचौड़ी और प्याज कचौड़ी खा रहे हैं। अब हमारा पेट तो भरा नहीं तो हमने आलू प्याज का कुलचा और डोसा मंगवा लिया है। एरिया तो सुंदर है गाइस, एरिया तो सुंदर है। सो जाएंगे। कल सुबह का प्लान मैं आपको आज रिवील नहीं करूंगी क्योंकि हमें खुद भी नहीं पता है
विल सी कल मॉर्निंग में हम कहाँ जाते हैं गाइस। सो गुड नाइट।